सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के नोटिफिकेशन लाइट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, नोटिफिकेशन लाइट के बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग वीवो के डिवाइस में डिस्प्ले पे अपने नोटिफिकेशन लाइट लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग को थंबनेल पे दिख गया होगा, उसी तरीके का आप लोग अपने वीवो के डिवाइस पे आप लोग डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन लाइट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और आप लोग को नोटिफिकेशन लाइट लगा के दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग फॉलो करके कमेंट करके कुछ भी बात होता है तो पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने वीवो के डिवाइस में नोटिफिकेशन लाइट लगा सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना होगा, एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। उस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर प्ले स्टोर में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है लाइटिंग नोटिफिकेशन लाइट पिक्सेल 520 नोट 20, यहाँ पे बेटा वर्जन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। तो इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया, तो इसके बाद मैं आप लोग को इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को इसको ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में जैसे कि आपका नहीं होगा ऑन होगा, तो इसको आपको क्या करना होगा, ऑन कर लेना होगा। उसके बाद ऑन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एरो आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है छोटा सा एरो। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको यस कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं यहाँ पे सेटिंग। तो यहाँ पे सेटिंग में देखने को मिल जाता है जो कि कलर, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कलर जो लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे रेड कलर का लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर रेड कलर का मैं यहाँ पर लगा के ओके कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे थोड़ा इसकी स्पीड अप करना चाहते हैं तो स्पीड भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप इसको इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे कलर आता है। तो यहाँ पर कलर कौन सा आप लगाना चाहते हैं, जो भी अपने मनपसंद का लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस ग्रीन को लगाता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ग्रीन और रेड। तो हो चुका है दोस्तों। और अब यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे। तो नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसके साइज़ को मैं बड़ा भी कर सकता हूँ या तो छोटा भी कर सकता हूँ। तो साइज़ कुछ इतना बड़ा भी आप लोग कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, चाहे अगर आप इतना रखना चाहते हैं तो इतना भी रख सकते हैं। ये कैमरे की तरह आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो मैं इसका साइज़ छोटा थोड़ा कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग अगर इतना रखना चाहते हैं इस तरह से, तो आप लोग इतना छोटा रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप डाउन करके, और इसके बाद आपको यहाँ पे किस तरफ ले जाना है उस तरफ। यहाँ पे अगर किनारे पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, मैं तो यहाँ पे बीच में रखता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बीच में रखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे से ऊपर चले जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से कलर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस वाले पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से इंटरफेस। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जो कि इस सेटिंग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सब वाइट कलर देखने को मिल जाता है, तो आप कुछ और भी कलर इसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मिक्स करके यहाँ पे पर्पल कलर का यहाँ पर ले लेता हूँ पर्पल। तो यहाँ पर हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस, आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन लाइट का कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से आप लोग अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में नोटिफिकेशन लाइट लगा पाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग को मैं दिखा दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बैग यहाँ पर जाना होगा। बैग यहाँ पर फिर से और भी लगाना चाहते तो आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा के एक बार दिखाता हूँ, और यहाँ से ओके कर लेना है। उस तरह से आप लोग अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा है तो देखने में बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा साइज़ इसके मैं छोटे कर देते हूँ। तो नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साइज़ थोड़ा और भी छोटा करना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं साइज़ थोड़ा और छोटा हो चुका है यहाँ पर। और इसके जो कि डाउन का ऑप्शन है, थोड़ा यहाँ से ऊपर ले जाते हैं तो इस तरह से हम रख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं साइड में रखना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया, अगर आपको रखना है साइड में इस तरह से तो आप रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे अब इसके स्पीड की, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे रिंगटोन इसका मिल जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसके साइज यहाँ पे यहाँ से बढ़ जाता है और इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पीड बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके स्पीड जो कि और भी फास्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से, और ऊपर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, आप लोग को चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगा आप लोग को। जैसे यहाँ पे आपके फ़ोन में वर्क करेगा और अच्छे से वर्क करेगा सभी फ़ोन में, तो जाइए दोस्तों एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिए इस ऐप को। और ऐप भी बेटर है दोस्तों, और अच्छे से ये काम करता है नोटिफिकेशन लाइट। आप लोग भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है नोटिफिकेशन लाइट। आपके अगर फ़ोन में नहीं है तो आप लोग इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं जैसे कि मैं आप लोग को बताया उसी तरह से। तो जाइए दोस्तों चेकआउट कीजिए और इसको एक बार अच्छे से चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।